हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोचे होंगे कि ये मैं सजी दहजी क्यों खड़ी हूँ। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो बाद में बताऊँगी। पहले आप देखो मेरा डिसेंट सा सूट जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। ये गर्म सूट जो कि आपको देखने में ही पता चल रहा होगा। और इसके ऊपर कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ये पूरा हैंडवर्क है। और ये इसके साथ स्टोल बिल्कुल नहीं है, इसके साथ शॉल है। और जिसके दोनों तरफ ये खूबसूरत सा बॉर्डर बना हुआ है, ये भी सब सेम एज ही है और ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी ही है। और ये सूट आपको किसी भी शॉप पर नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं। ये मैंने लिया था, वो कश्मीरी होते ना, कश्मीरी जो कश्मीर से ही आते हैं अपने साथ लेके, तो उनसे लिया था। हमारे डेली में उनका इतना ज़ोर है, मतलब प्रचलन है कि क्या बताऊँ, तो मैंने डेली से ही लिया था। तो पता क्या होता है कि हम लोग हर सर्दी में उनसे ही कपड़े लेते हैं। और ये मैंने इस साल नहीं लिया, ये मैंने तभी लिया था पिछले साल जब मैं अनु की शादी पे घर पे गई थी ना, तो कश्मीरी आते थे बहुत, तो मैंने भी तभी ले लिया था। और सेम सूट ऐसे ही अपनी ने भी लिया है, तो हम दोनों बहनों ने एक सा सूट लिया है। और ये इसका नीचे का दामन है, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मतलब गला और दामन और पूरी शॉल पर एम्ब्रॉयडरी है और बहुत खूबसूरत है। तो और इनकी पता क्या, कश्मीरियों के कपड़ों की बात ये होती है कि कपड़ा बहुत अच्छा होता है, वैसे पतला होता है लेकिन गर्म होता है। और मैं वैसे गर्म सूट लेती हूँ ना, वो ठंडे होते हैं, वो गर्म नहीं होते, लेकिन ये गर्म सूट था। और अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 2200 रुपये था 2500, लेकिन आपको तो पता है कि उन लोगों से बहुत खिचखिच हो जाती है, तो खिचखिच कर करके तो 2200 रुपये में ये सूट उन्होंने हमें दिया था। तो जी, अब तक आपने देखी अपनी सरकटी अप्पी अब आप देख लीजिए मुझे पूरा। एक्चुअली वो मैं आपको गेटअप दिखा रही थी, इसलिए चेहरा नहीं दिखा रही थी। और अब मैं थोड़ा सा अदब और लिहाज में आ गई हूँ, तो मैंने सर पे भी डाल लिया है। और अब आप लोग बताइए, मैं पूछ रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, और कमेंट करके बताना, मेरे इशारे समझो तो मैं बोल इसलिए नहीं पा रही, इतनी जल्दी हो रही थी। आपके जीजू नीचे से आवाज़ लगा रहे थे, और ये पता है आप लोग सोचोगे कि आवाज़ लगा रहे थे तब इतनी स्लो क्यों हो रहा है, ये स्लो मोशन में कर दी मैंने। तो ये मैं आपको हाथ इसे दिखा रही थी क्योंकि मैंने इसके अंदर मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। एज ऑलवेज आप लोगों को पता है मुझे चूड़ियाँ पहनना बोरिंग लगता है, लेकिन खैर घूमने जा रहे हैं तो पहननी भी पड़ेगी, तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो चलो आपसे मिलते हैं सफ़र में, सफ़र की शुरुआत में। तो जी, माशाल्लाह से हमारे इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और आज आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होगे, है ना, कर रहे हो ना। और वो बात क्या, मैं आपको बताती हूँ कि मैं, मतलब मेरे अल्फाज जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। वैसे इतने जल्दी लड़खड़ाते नहीं हैं, लेकिन लड़खड़ा रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बोलना कुछ आओ ठंड की बारी हु कुछ और निकल जा रहा है। तो खैर ये तो हुई मजाक की बात। और अब हम कार में आ चुके हैं, और मैं क्या कहते हैं, थोड़ी सी विंडो खुली हुई थी तो उसको बंद कर रही थी, तो बस। और अब हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कौन कौन जा रहा है मैं पहले ये बता देती हूँ, बता क्या देती हूँ, मैं आपको दिखाई दूंगी कि कौन कौन जा रहा है। और जा कहाँ रहे हैं वो बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं इनके मामू के यहाँ, क्योंकि उनके मामू की बेटी को देखने आ रहे हैं लड़के वाले, और इनकी मामी नहीं है। तो जैसे कि मेरी सास उनकी फुप्पो लगी, तो फिर आप फुप्पो वगैरह ही देखती हैं जब माँ नहीं होती है, तो फिर इसलिए हम लोग सब जा रहे हैं। और मैं हूँ खानसामा, तो मैं मतलब खाना बनाऊँगी वहाँ पर जाके, क्योंकि जिम्मेदारियाँ तो होती हैं जिनकी माएँ नहीं होती ना, फिर फुप्पो वगैरह ही करती हैं। आप बड़े काम मम्मी वगैरह करेंगे मेहमानों के लिए, और छोटे मोटे खाने पीने के वो हम कर लेंगे। तो ये है हमारी प्यारी सी मम्मी जी, और इनको ठंड लग रही है और बाजी की वो थोड़ी सी झलक पीछे दिख रही होगी। और पीछे बैठी है हमारी खाला, यानी कि जहाँ हम जा रहे हैं उनकी दूसरी फूफो, यानी कि दो फूफो जा रही हैं। दो फूफो नहीं आ पाई, मेरी दो जो खाला सास है वो नहीं आ पाई। और ये आयरा सो रही थी, तो ये अभी नींद में ही है। और आयरा को हमने करा दिया गंचू गंचू आयरा से मुलाकात कराऊंगी आपकी बाद में, ओके। ऊपर कर बाबा बल्ले जी, आपकी बारी। भूख बल्ले, हाँ जी, क्या कहना है मुझे? कुछ नहीं कहना, देखना। बहुत अच्छे। डांटेंगे
गाड़ी रोक लो पहले, जब देखो जब बनाओ से वीडियो दे रही है, पता है मुझे यही बोलो। तो चलो आपको थोड़ा सा सफ़र भी दिखाया जाए कि किन किन गलियों में से हम गुजर रहे हैं। और ये पता है क्या, वैसे मैं भी शायद कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, बट मुझे अच्छा लगता है। जैसे ये गांव वगैरह का एरिया होता है ना, यहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। यहाँ की लेडीज़ कितनी हार्ड वर्किंग होती हैं, हैट्स ऑफ टू देम। और ये पता पीली पीली क्या है, सरसों के खेत जो कि DDLG में आपको दिखाई देते होंगे, और इसमें आपको बफेलो भी दिखाई दे रही है, बस शाहरुख खान और काजोल नहीं है क्योंकि वो इस वक्त गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। शाहरुख खान तो मान लोगे उन्हें, लेकिन मुझे काजल मानने में बहुत जन्म लग जाएंगे आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, मैं तो मानो, लेकिन मैं तो मान के ऐसे मेजमराइज कर सकती हूँ, खुश हो ही सकती हूँ। तो एक बात आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, आपकी अपी ना बड़ी अब वो हो गई हैं, क्रिएटिव हो गई हैं। और ये पता है मैंने कैसे, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, व्यू अच्छा लग रहा है ना। ये ना मैंने अपने मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी स्टिक जो होती है उसके ऊपर अपना फ़ोन माउंट किया, और उसके बाद ना उसको गाड़ी में से बाहर निकाल के, और देखो कितना अच्छे से मैंने शूट किया है। और अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना है ना। तो हालांकि थोड़ा सा मेरा लेग पुलिंग भी चल रही थी कि कोई आएगा बाइक पे बैठ के और मेरा फ़ोन ले जाएगा, तो इस बात का भी थोड़ा खतरा था, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ अलग अलग वेरिएशन भी होनी चाहिए ना। अब आप लोग, मुझे ऐसा लगता है पता क्या, आप लोग इतना कीमती टाइम मुझे देते हो। मतलब मेरी अगर वीडियो 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, तो अपनी लाइफ के 15 मिनट अगर मुझे दे रहे हो, तो मुझको ऐसा लगता है कि वो आपको देखने के बाद ये ना लगे अरे वेस्ट हो गए 15 मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को देखने के बाद ये लगे कि हाँ वर्थ है। तो इस वजह से मैं ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करती रहती हूँ, और हो भी सकता है कि इसका मुझे बहुत भारी जुर्माना उठाना पड़े किसी दिन, लेकिन वो जब दिन आएगा देखी जाएगी, अल्लाह ने सब कुछ लिख रखा है। तो देखो अब हम चल रहे हैं, और आगे का रोड भी मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर रही हूँ, और आप लोगों ने देख ही लिया होगा ना कि कैसे कैसे बैठे हैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हंसते गाते हम लोग चल रहे हैं। बीच में मैं एक क्लिपिंग वो भी डालूंगी जिसमें हम लोगों की नेचुरल वॉइस होगी, क्योंकि मज़ा आता है जो भी थोड़ा बहुत हम लोग हंसी मजाक करते हैं वो सुनने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो भी सुनो और उसको भी इंजॉय करो। और बीच में कुछ लोगों ने नाश्ता कर लिया था, जैसे घर से करके गए थे, कुछ लोग नहीं करके गए थे, तो हमारे पापा जी ने हमें चाट वगैरह सब खूब सारी खिलाई, मतलब पापा जी ने नहीं खिलाई, पैसे दे दिए, मम्मी लेके गई थी, तो हम लोग तो खाते पीते फिर गए थे, बड़ा मज़ा आया था। तो उसके बाद वहाँ जाके क्या किया था वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी क्या मतलब दिखा ही दूंगी कि वहाँ जाके हमने क्या किया था। और ये सफ़र भी बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना था, तो मज़ा ही आ रहा था। और वैसे भी अपनों के साथ तो कहते हैं कि जंगल में भी जाओ ना तो मज़ा ही आता है, और ये बात है, फैक्ट है। और कुछ ना कुछ कार्टून पंती मैं भी करती रहती हूँ सबको हंसाने के लिए, कुछ ना कुछ बीच में जोक्स मारती रहती हूँ, तो सबका मन। तो यहाँ मैं अपने पैरों को इसलिए दिखा रही हूँ, सैंडल नहीं दिखा रही, एक्चुअली सॉक्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सॉक्स ना कुछ अजब गजब हैं। अजब गजब कैसे, मैं आपको बताती हूँ, ये ज़िंदगी में कभी ना फटने वाले सॉक्स हैं, यही कहा गया था हमसे। और गर्म तो खैर हैं, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये गर्म भी हैं, और इनका फैब्रिक देख के लगता है कि ये कभी नहीं फटेंगे। और ये भी अनु की शादी पे मम्मी ने ही दिलाए थे मुझे। और ये मैं आपको पता क्या दिखा रही हूँ, मैं अपना आपको पानी का स्टॉक दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं आरओ का ही पानी पीती हूँ, तो मैं मतलब और लंबी कहानी बाद में बताऊँगी, लेकिन मैं जैसे गांव वगैरह में तो नहीं मिल पाता ना आरओ का पानी, तो फिर मैं अपना लेके चलती हूँ। और जब मैं ब्याह कर भी आई थी तो पहले यहाँ पे नहीं था आरओ, लेकिन फिर पापा जी ने फ़ौरन लगा दिया था, मतलब फ़ौरन नहीं लगाया था, लगा तो थोड़ा टाइम बाद था, लेकिन मैंने कभी भी मतलब नॉर्मल पानी नहीं पिया, क्योंकि अगर मैं पी भी लूँगी ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हमारे पापा जी मेरे वो बॉटल आती ना बड़ी वाली 20 लीटर वाली, तो वो मंगा दिया करते थे, तो फिर मैं वही पानी पीती थी। फिर उसके बाद आरओ ही लग गया, तो अब तो आरओ का ही पानी चलता है। तो पानी का बड़ा इशू रहता है, मैं कहीं भी जाती हूँ सबसे पहले अपना पानी का स्टॉक लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं का पानी नहीं पी सकती। पेट का Thank you.
जी ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं। अरे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पूरी रामकथा बता दी, ये नहीं बताया कि हम किस जगह जा रहे हैं। मतलब तो मैं आपको बता देती हूँ कि मम्मी का मायका है ना जैसे गांगनी, उसी के पास, जैसे गांगनी तो प्रॉपर एक गांव है, उसके पास ही एक कस्बा है छोटा सा, जैसे हमारे सासी हैं इसी टाइप में, तो उनके जो मम्मी के बड़े भैया हैं वो वहीं रहते हैं, उसका नाम है फरेहा। तो हम प्रॉपर गए थे फरेहा में। तो बस ये बस ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सब लोग बता रहे थे 10 मिनट का और रास्ता रह गया था, तो मैंने सोचा आपको और गांव की हरियाली दिखाऊं। यू नो गांव की हरियाली तो जितना देखो उतना कम है। पता है हमारा तो मन कर रहा था कि जैसे इन खेतों में भी ऐसे फ़ोटो वोटो खिंचाएँ, थोड़ी सी वीडियो वीडियो बनाएँ अपना दुपट्टा लहराते हुए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमें हो रही थी ऑलरेडी लेट। और वहाँ जाके मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि अभी काम भी करना था, और पता है फिर बाद में फ़ोन आया कि मेहमान भी पहुँच गए हैं और हम उनके बाद पहुँचे। तो मतलब जाके ना बस पानी पीने की भी फुर्सत नहीं थी और हम लग गए थे फ़ौरन कामों में। तो और थोड़ा पहले जाते तो शायद और जल्दी ख़त्म हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है। और फिर इतने सारे लोग जाने थे तो फिर थोड़ी थोड़ी देर सभी लगाएं तो हो ही जाती है लेट। और वो भी फोग भी बहुत था इस दिन ना। और ये बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, घबराइए मत, ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, कल ही गए थे हम और ये वीडियो मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। तो एक्चुअली मेरी एक सीरीज़ चल रही थी, वो सीरीज़ बीच में तोड़ के ये वीडियो आ रही है। आप लोग सोचेंगे वो वाली वीडियो क्यों नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे शूट करने का, तो मैं कैसे उसको डालती। तो उस बारे में मैं आपको फिर बाद में बात करूँगी। तो पहुँच जाते हैं घर, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके तो जी माशाल्लाह से हम घर आ चुके हैं और मैं तो मतलब अंदर घुसी आई थी, फिर मम्मी ने याद दिलाया अरे तूने वीडियो नहीं बनाई घर में घुसते हुए। मैंने कहा मैं तो भूल गई। फिर मैंने मम्मी के लिए आ जा, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, बाहर सारे जेंट्स बैठे। तो फिर भैया थे एक कज़न, उनको दे दिया था तो उन्होंने ही वीडियो बनाई। और यहाँ पर ऑलरेडी मेहमान आ गए हैं और नाश्ता भी लग गया है। तो मतलब अब तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है, और खैर अब तो कहने की बात ये, पहले भी बहुत सपोर्ट करती थी लेकिन मैं ना कई बार थोड़े से घबरा जाती हूँ। अपने घर में तो कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन मैं जब कहीं ससुराल की तरफ से ही जाती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे घबराहट होती है, कहीं ऐसा ना हो किसी को बुरा लगे या कहीं ऐसा ना हो कोई गलत समझे कि उनकी बहू देखो हर टाइम पता नहीं क्या क्या करती रहती है, हमें तो समझ भी ना आवे। तो बस ये इन चीज़ों से घबराती हूँ। लेकिन फिर मम्मा बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मम्मा कहते हैं अरे तू अपना काम कर, बाकी सबको मैं देख लूँगी। तो फिर मुझे लगता है ठीक है चलो, मतलब बड़ों की परमिशन मिल जाती ना फिर तो मुझे ठीक लगता है सब कुछ। तो अभी फिर मम्मा ने ही कह के बनवाई थी और यहाँ पर सारे जेंट्स बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, आपके यहाँ कैसे होता है तो बताना। मतलब ज़्यादा टिपिकल जो एरियाज होते हैं तो वहाँ तो पता क्या होता है, जैसे मेहमान वगैरह आते हैं ना तो पहले जेंट्स नाश्ता करते हैं फिर लेडीज़ नाश्ता करती हैं। तो ये है हमारे मतलब मामू जी का घर, यानी कि इनके मामू हैं, मेरे तो मम्मी ससुर लगे। तो ये उनका घर है, अभी नया ही बना है, और ये उनके छोटे बेटे हैं, ये हमारी मम्मा हैं। तो नया ही बना है, अभी इसमें सेटलमेंट चल ही रही है, अभी बिल्कुल ही नया घर बना है। और ये किचन में बाजी कुछ कर रही हैं, बाजी हाँ चाय नाश्ता करवा रही थी। तो अभी खाना नहीं बनना शुरू हुआ अभी, क्योंकि वो लोग आ गए थे ना तो बस उन्हें पानी पिलाया था फिर हम लोग पहुँच गए थे। तो बाजी नाश्ता लगवा रही हैं, सब काम करवा रही हैं। और आप लोग कहते बाजी की झलक तो देख लो, बस इतनी सी मिलेगी। क्योंकि बाजी का शुरू से ही था कि ज़्यादा वीडियो में नहीं आना, लेकिन शादी की देखा नहीं था वहां पे कॉल कर ली, बल्कि मैंने बता दिया था। तो यहाँ हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे, मैं किचन के बाहर ही बैठी हुई थी और बैठी क्या थी, मेरा अंदर काम चल रहा था, मैंने बिरयानी छोड़ दी थी मतलब छोंक दी थी। और ये आपकी जीजू बैठे हैं और ये उनकी बहन है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था किसी का, मैं नाम भूल गई, बड़ा प्यारा कमेंट था। वो हमेशा ये कहती थी जीजू को अपने साथ रखा करो, वो देखो किसके साथ बैठे, वो देखो किसके साथ बैठे। तो ऐसे किसी और के साथ नहीं बैठते, वो सब उनकी बहनें हैं, ये भी उनकी बहनें ही हैं। तो ऐसी कोई भी टेंशन वाली बात है नहीं जीजू को लेके, आई एम फ्री।
तो जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पीछे किचन है और मैंने खाना वाना सब बनाने रख दिया है और अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अच्छा किचन ये कमरा है एक्चुअली, इसके बराबर में किचन था, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई थी। और ये मैंने आपको बताया ना अभी बिल्कुल नया घर बनाया तो अभी प्रॉपर सेटलमेंट भी नहीं हो पाई है, लेकिन घर तो बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, मामू ने बहुत प्यारा बनाया है और मेहनत से बनाई हुई हर चीज़ बहुत प्यारी होती है, सिर्फ देखने वाले का नज़रिया होता है। देखो नज़रिए से तो इंसान मतलब ताजमहल को भी बुरा कह दे और जिनका नज़रिया अच्छा होता है वो एक झोपड़ी को भी बहुत खूबसूरत मान ले, तो ये अपने अपने ऊपर है। और अब हमारी हो रही है विदा, हम लोग ले रहे हैं यहाँ से विदा और बस अब इसीलिए खड़े हुए हैं। और बहुत बहुत हमारा दिन अच्छा रहा और जिस काम के लिए हम आए थे वो हुआ या नहीं वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। ओके तो चलो घर पे। अभी रुको दो मिनट में बात कर लो। हाय गाइस से नहीं ये रहे, ये रहे, ये रहे। हाय गाइस आ रहे तो सुबह से देखी नहीं किसी ने। बोल अब बताओ कहाँ गई थी, आप खुद ही बताओ, बात करो। नानू की पार्टी। सही से बोलो, बोलो हाय नानू की पार्टी। किसके नानू? मैं चाचा। सही से बोलो किसके नानू के पास? हेलो किसके पास थे, किसके पास? वो नानू थे, बोलो पापा के भैया थे, वहाँ मम्मी थी। बोलो पापा के नानू के पास गए थे हैं? पापा के लालू पीते थे गए थे। अस्सलामुअलैकुम करो, अस्सलामुअलैकुम करो। आ जाओ। ये पागल हो गया आयरा, बिल्कुल पागल हो गया। मैं जरा इसे लगा लूँ। सो हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? थोड़ा अपने गेटअप में आ जाएं भाई, अब बज गए हैं रात के 10 बज गए हैं। सुबह से निकले एक तो सफ़र और फिर वहाँ पर थोड़ा काम धाम भी था, आप लोगों ने देखा है। तो मैं इतना थक चुकी हूँ क्या ही बताऊँ। मतलब व्लॉग एंड करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कार में तो पता है मेरी इतनी बुरी हालत थी, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी कि मेरा मन ही नहीं हुआ, एक सेकेंड के लिए भी मन नहीं हुआ कि मैं कार में निकालूं और ब्लॉगिंग कुछ करूं। तो इसीलिए मैंने कार में तो कहीं नहीं निकाला, लेकिन हाँ अब मैं घर आ गई हूं और अब हम लोग थोड़ा चेंज वेंज करने जा रहे थे तो मैंने सोचा अब आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूं। तो आज का दिन बस कुछ इस तरह से ही निकला। और गुड न्यूज़ बता देती हूं कि हाँ जिनके लिए हम गए थे बाजी के लिए उनका रिश्ता भी हो गया है माशाल्लाह से और सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, सब सेटल हो गया है। और क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ तो फिर हम लोग वहाँ से पता कहाँ गए थे, मम्मी के मायके चले गए थे। मतलब जहाँ गए थे वो मम्मी के बड़े भैया थे ना, फिर मम्मी के जहाँ मतलब और छोटे भैया है और पापा है वहाँ चले गए थे। तो फिर वहाँ से भी घूम फिर कर आ रहे हैं। एक्चुअली वो ना गांव है तो वहाँ पर रात में उतनी लाइटिंग नहीं होती, तो इसलिए मैंने तो कुछ ब्लॉगिंग वगैरह वहाँ की नहीं। कभी दिन में गई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और वैसे मैंने आपको पूरा गांव दिखाया हुआ है जब मम्मी अपने मायके गई थी भात लेने के लिए, भात देने के लिए नहीं, भात नोतने के लिए। हाँ तो मैंने आपको दिखाया था, तो वो मम्मी का ही मायका था, तो बस हम वहीं गए थे। और अब हम घर आ चुके हैं और अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं ज़्यादा अब बोल नहीं पाऊँगी, हालांकि बहुत बोल चुकी हूँ। तो चलो आपसे मिलते हैं। आप ब्लॉग पसंद आए तो आप कर देना ढेर सारा लाइक, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और क्या बोलते, कमेंट कर देना। और भूल रही हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा। तो चलो व्लॉग पसंद आए तो कह तो दिया, कितनी बार बोलूँ। तो आपसे मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह से, तब तक के लिए ये उल्टा ही याद।